विकास की बात मुखिया जी के साथ। इस कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं संवेदी न्यूज चैनल। दोस्तों, आज मैं मिलवाने जा रहा हूँ बक्सर जिला का ब्रह्मपुर प्रखंड में एकरासी पंचायत और यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ संतोष यादव जी मौजूद हैं। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि इनकी पत्नी यहाँ पे मुखिया है, लेकिन एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में माने जाते हैं संतोष यादव जी। आइए जानते हैं, बात करते हैं कि सात निश्चय योजना पे और विकास की बात यदि की जाए, 2 साल 3 महीने के कार्यकाल रहा है का, इस पे क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, हम बात करते हैं। आइए जानते हैं मुखिया प्रतिनिधि संतोष यादव जी। सबसे पहले हमारे संवेदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तमाम जनता आपको टीवी स्क्रीन पर देख रही है, यहाँ तक कि तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी भी देते हैं। और जानना चाहेंगे मुखिया जी, चूँकि आप एक अच्छे प्रतिनिधि हैं, आपकी पत्नी मुखिया है, और एक अच्छे प्रतिनिधि का काम होता है कि मुखिया की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदेही जिम्मेवारी अपने सिर पर लेकर चलना। आपकी एक भी मिस्टेक मुखिया के लिए घातक हो सकती है, अतः आप निश्चित तौर से जिम्मेवारी पूर्वक आप काम करेंगे और करते रहेंगे, काफ़ी प्रशंसा भी होगी आपके पंचायत में। जानना चाहेंगे कि यदि सात निश्चय योजना की बात की जाए, चूँकि जो कि बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है, आपके अनुसार ये योजना कैसी है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सुंदर ग्रामीण इलाका में आकर मुखिया के साथ जो मुखिया की बात, पंचायत की बात उठाने का प्रयास कर रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र। नहीं तो शहर में ही चैनल से लोग आते हैं और फोटो वगैरह लेकर चले जाते हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर विकास की कोई बात नहीं देखी जाती। इसके लिए मैं आपको टीम को पूरा धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आगे भी इस तरह का कार्यक्रम चले और सरकार को आप लोग दिखाने का काम करें कि सरकार पुनः पर विचार करे। रही बात सात निश्चय की, तो सात निश्चय बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है और सरकार का जो लक्ष्य है वो तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें सरकार के जो सिलेबस सरकार है वहीं कमी आ रही है। जैसे कि मान लीजिए कि सात निश्चय का रूपरेखा तैयार हो गया, पहले 2 साल मुखिया और वार्ड मेंबर में सरकार ने लड़ाने का काम किया, 2 साल तक विकास का पैसा रखा रह गया, लेकिन कोई विकास नहीं। यदि उस पर पहल हुआ होता तो 1 साल में पैसा सरकार के रूपरेखा तैयार होकर खर्च हो गया, लेकिन जब जागा तबे सवेरा फिर सरकार ने पहल किया और मुखिया और वार्ड मेंबर को काम करने का जो तरीका है उसको सुचारू रूप से चलाने की तैयारी हो गया। अब उसमें जो प्रोजेक्ट बनता है पंचायत में नली गली का, तो सबसे पहले सरकार के नीचे नल का जल देना, तो नल के जल देने का जो हमारे पंचायत का मामला है, यहाँ PhD का जी में है, यहाँ 7 वार्ड चयनित किया गया है। एक उसमें रखना चाहेंगे मुखिया जी, ये जो आपकी पंचायत है एकरासी पंचायत, इसमें टोटल गांव कितने हैं? अच्छा, इसमें 7 गांव हैं। कौन कौन गांव है? एकरासी के नाम पर पंचायत है, उसके बाद खचरियाँ है, बगल में भातसारी है, उसके बाद घनश्यामपुर है, पटीपुरा है, सदरपुरा है और पहाड़ी चक है। अच्छा, वार्ड टोटल वार्ड कितने? टोटल वार्ड 14 वार्ड हैं यहाँ और चयनित 7। 7 साफ चयनित वार्ड में अभी किसका? अभी नल जल जब PhD हो गया है तो नली गली का तो काम चल रहा होगा। पहले शुरू में 1 और 2 नंबर का नल का जल मुखिया को करना था, लेकिन अभी तत्कालिक वीडियो द्वारा बताया गया कि नहीं, अभी एस्टिमेट हम लोग बनवा दिए थे नितेश कुमार जी के माध्यम से, तो बोले कि नहीं, अब हम लोग को यहाँ नहीं करना है। तो हमारे यहाँ स्वचलित खचरियाँ में डेली सप्लाई वाला पानी का नल चलता था, मीडिया डेड स्थिति में है। एक घनश्यामपुर में और पटलपुरा और सतरपुरा 3 बस्ती है, वहाँ भी चलता था, वो भी डेड स्थिति में है। और हमारे गांव एकरासी में जो पराग टंकी है उसी से सप्लाई होता है। एकरासी में लगभग 70% लोगों को नल को जल दे दिया गया है PhD के माध्यम से, और जो जिससे कनेक्ट किया जाएगा वार्ड मेंबर या मुखिया के माध्यम से, तो जैसा सरकार का आदेश होगा माना जाएगा। लेकिन अभी तत्काल में हमारे यहाँ PhD से करने के लिए कहा जा रहा है। ये नली गली की यदि बात की जाए तो जो भी आपके वार्ड चयनित किए गए तो क्या उन वार्डों में काम चल रहे हैं नली गली? जी, अभी तक सर्वे के मुताबिक हमारे यहाँ 5 नंबर का प्रशासनिक स्वीकृति हो चुका है, 3 नंबर का प्रशासनिक स्वीकृति हो चुका है और 8 नंबर का हो गया है और 7 नंबर का हो गया है, बाकी अभी 1 नंबर का भी हो गया है। उसमें सरकार का लक्ष्य है कि
पहले जो चयनित था उसमें पीसीसी का काम करना था पहले, लेकिन आज के बाद जो सरकार का नया रेगुलेशन आया है कि आप पीसीसी नहीं करना, तो कुछ ऐसी कठिनाइयाँ आ रही हैं जिस गांव में जैसे कि आप सोलिंग किए हुए हैं तो वहाँ सोलिंग हो चुका है तो वहाँ 20% 30% ईंट खराब हो गया है, तो अब वो टोटली तो कबाड़ के करना पड़ेगा कि कैसे होगा, यही सामंजस्य नहीं बन पाता है लोगों के बीच में। गली तो खराब हो गई है लेकिन वहाँ ईंट बिछाना नहीं है, वहाँ ये जो डेरी कहलाता है जो पेट्रोल पंप पर लगाया जाता है जो पत्थर वाला सीमेंटेड उसी को लगाना है, तो अब हम लोग नया सिरे से उसको लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा जानना चाहेंगे रुके जी, चूँकि केंद्र सरकार शौचालय पे काफ़ी जोर दे रही है, हर घर में शौचालय लगाना है, शौच मुक्त इस देश को बनाना है, इसके लिए हर पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना बहुत जरूरी है, और आदर्श पंचायत बनाने के लिए बाहर में महिलाएं शौच करने ना जाए, आदर्श पंचायत बनाने के लिए पुरुष हो या महिला हो बाहर में शौच न करें, क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ भी हो रही है और बहुत सारी बीमारियों का भी जड़ है बाहर में शौच करने। तो केंद्र सरकार काफ़ी तरह तरह के अभियान छेड़ी हुई है और इसका प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करने की प्रयास कर रही है। यदि आपकी पंचायत की बात की जाए, ये एक राशि पंचायत, तो शौचालय में अभी तक क्या पोजीशन माना जा सकता है, कितना परसेंट शौचालय घरों में लगे हैं? अभी एक राशि में खासकर दलित बस्ती को छोड़ दिया जाए तो 70% दलित आबादी को छोड़ दिया जाए, 70% आबादी के घर में शौचालय बन गया, लेकिन सरकार की यह योजना हम हमारे देखने से नरेंद्र मोदी के मिशन में या स्वच्छ भारत के मिशन में बाधक बन रहा है, जो पैसा 12,000 जो लक्ष्य रखा गया था कि शौचालय बनने के बाद दे दिया जाएगा, तो बनाने के बाद अभी तक हमारे पास पैसा नहीं मिला। कितना परसेंट शौचालय बने होंगे? अभी तो 70% शौचालय बन गया, इसके बावजूद भी अभी पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, किसी का पैसा कोई पैसा नहीं, इसीलिए जब लोग बनाने का प्रयास करवाते हैं तो लोग कहता है भाई पैसा दिलवाइए, जो बन गया उसको यदि मिलता तो देखा देखी होता है। ये पंचायत आपका ओडीएफ हो चुका है? नहीं, पंचायत तो ओडीएफ नहीं हुआ है, लेकिन 3 नंबर वार्ड, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 6 नंबर और 10 नंबर वार्ड लिखित रूप से ओडीएफ के लिए दे दिया गया है। हमको आशा है कि अभी घोषणा हो गई होगी प्रशासन की तरफ से, या 2-4 दिन का हो जाएगी। अच्छा यदि समस्याओं की बात की जाए, चूँकि समस्याएं तो रहती ही, चूँकि आप जनप्रतिनिधि हैं तो कोई बहुत सारी परेशानी आपके साथ होती होगी, बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों को लेकर आते होंगे, आप मैक्सिमम का समाधान भी करते होंगे, बहुत सारी जो आपके बस की चीज़ नहीं होती होगी आप नहीं करते होंगे, तो इन सारी चीज़ों को मिला जुला के यदि देखा जाए तो एक पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए आपके अनुसार सरकार को कैसे सपोर्ट करना चाहिए, सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहिए? सबसे पहले कि सर सरकार जो अंग होता है प्रशासनिक पदाधिकारी यानी BDO, CEO, SDO और DO सर, यहाँ सर आपस में सामंजस्य का अभाव है, ग्राम सेवक होता है पंचायत का अंग, ग्राम सेवक पंचायत में उपस्थिति नहीं रहता है और कर्मचारी उपस्थिति नहीं रहते हैं, तो अब क्या होता है कि मुखिया तो प्रतिनिधि हो गया तो कर्मचारी नहीं है, कोई चीज़ की नई जानकारी उसको नहीं है, एक सारी जवाबदेही एक सचिव को होता है, सचिव आकर आपको बताएगा और उसके माध्यम से योजना की जानकारी या कार्य की जानकारी होती है। पहले हम चाहेंगे कि सरकार अपने कर्मचारी को दुरुस्त करे, मुखिया के साथ बैठकर या और प्रतिनिधि के साथ पंचायत को सुचारू रूप से चलाए, विकास निश्चित होगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोग देख रहे थे हमारी बात हो रही थी, ये एक राशि पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संतोष यादव जी थे और काफ़ी सुंदर विचारधारा के इंसान हैं और अपने इस कर्मठता और ईमानदारी पूर्वक इन्होंने अपने पंचायत को काफ़ी सुंदर ढंग से विकास भी किया है। कहना है कि हमारे 7 निश्चय योजना जो भी हमारे पंचायत में नहीं बल्कि बिहार राज्य में इतना सुंदर ढंग से चल रहा है और बिहार सरकार की अच्छी योजना है 7 निश्चय योजना, लेकिन परेशानी जो हो रही है वो परेशानी सबको वाकिफ है। परेशानियों में सबसे पहले यदि ले लिया जाए तो पहले दे दिया गया था कि नल जल का काम मुखिया जी कराएंगे, फिर PhD को दे दिया गया, इसके अलावा भी बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही है। थोड़ा सा इन्होंने बात को चेंज करते हुए बताया, जैसे कि मैंने शौचालय पिन से बात किया, 70% तक शौचालय इनके पंचायत में बन चुके हैं लेकिन अभी तक किसी भी लाभुक का पैसा उनके खाते में नहीं आ पाया है, जिससे इनको आगे परेशानी हो रही है शौचालय घरों में लगाने में। सबकी इच्छा होती है कि हमारे घर में शौचालय लगे, सबकी इच्छा होती है कि हमारा गांव, हमारा पंचायत आदर्श पंचायत बने, लेकिन इसके लिए सरकार को साथ देना बहुत जरूरी है, ऐसा मुखिया प्रतिनिधि संतोष यादव जी का कहना है।
और सबसे सुंदर और स्पष्ट रूप से इन्होंने बात को रखा, सरकार को एक सुझाव दिया कि यदि किसी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना हो, किसी भी राज्य को डेवलप करना हो, किसी भी जिले को डेवलप करना हो, तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ होता है वहाँ की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, वो सुदृढ़ होनी चाहिए। तो सरकार को अपने जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी है उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो जो भी ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं या जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनके साथ बैठ के इसकी योजना बनाएं, इसकी गतिविधियां बनाएं कि कैसे विकास हो और उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, तब जाकर किसी पंचायत को या किसी वार्ड को या किसी भी राज्य को स्मार्ट वार्ड या पंचायत या राज्य बनाया जा सकता है। सरकार को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। जब तक प्रशासनिक पदाधिकारियों पर अंकुश नहीं लगाए जाएंगे, जब तक उनको नहीं समझाया जाएगा कि जनप्रतिनिधियों के साथ कैसे बैठ के हमें अपने वार्तालाप करना चाहिए, तब तक कभी भी कतई किसी पंचायत का विकास नहीं हो सकता है। धन्यवाद। ऐसा कहना है हमारे मुखिया प्रतिनिधि हैं संतोष यादव। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। समृद्धि न्यूज चैनल से अशोक तिवारी, कैमरा मैन रायगढ़ के साथ। थैंक यू।